आज हम बनाने जा रहे हैं चिकन टिक्का कबाब, जिसके लिए हमने ले लिया है बोनलेस चिकन, ऑयल, दही, लेमन जूस, कुछ कटे हुए हमारे पास प्याज है, हरी शिमला मिर्च, टमाटर हैं, अदरक लहसुन का एक एक चम्मच पेस्ट है और कुछ पाउडर मसाले हैं, जिसमें हमने लिया है गरम मसाला, चाट मसाला, नमक, मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर। अब हम चिकन के लिए मैरिनेशन रेडी करेंगे। दही, अब हम इसमें सारे मसाले ऐड कर देंगे। मिर्च पाउडर, दो चम्मच ऑयल ले लेंगे, एक चम्मच नींबू का जूस, हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपने चिकन। कटे हुए प्याज, शिमला मिर्च और टमाटर, और इसे हम मिक्स करके कम से कम आधे से एक घंटे के लिए हम इसे रेस्ट करने के लिए फ्रिज में रख देंगे। हमने अपने चिकन को इस तरह से रेडी कर लिया है, अब हम इसे फ्राई करेंगे। हमारी ऑयल अब अच्छे से रेडी हो चुकी है, अब हम इसमें अपने कबाब डालेंगे। इसे हम अच्छे से फ्राई, हमारी चिकन अच्छे से फ्राई हो रही है, हम इसे अच्छे से डीप फ्राई कर लेंगे। चिकन टिक्का कबाब हमारा रेडी हो चुका है, अच्छे से डीप फ्राई हो चुका है, अब हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे।